हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे पोहा। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर, यहाँ पे मैंने पोहा भिगो के लिया है, और राई। पोहे को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब हमें इसे रखेंगे 2 मिनट रेस्ट पे। अब हमने ली है एक लोहे की कढ़ाई जिसमें अब हम पोहे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है तेल, 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे राई। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। और अब हम इसे ब्राउन करेंगे। हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। हमने हमारी फ्लेम अब लो रखी है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पोहा। अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और बिल्कुल ध्यान से इसे मिक्स करेंगे। अब हमारा पोहा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे मूंगफली की गिरी जिसे मैंने पहले रोस्ट करके रख लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। अब हम इसे 2 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। अब हमारा पोहा अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे एक बाउल में। पोहा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में खाया जाता है और ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।